हेलो स्टूडेंट, क्लास टेंथ इंग्लिश रीडर यानी इंग्लिश प्रोज का पहला लेसन का दूसरा भाग है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पहले लेसन के पैराग्राफ नंबर 7 से। दिया है व्हाट इज डैट, वह क्या है, बाई गिविंग अप, इसको छोड़ने से, व्हिच मैन बीकम्स रिच, मानो धनी बन जाता है, वह क्या है इसको छोड़ने से मानो धनवान बन जाता है। डिजायर, आंसर मिलता है डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्ज अप मतलब होता है छोड़ना, परित्याग करना। बीइंग ग्रीडी मतलब होता है लालची। यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनी बन जाएगा, तो वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म है। गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है। अथवा आर लर्निंग, ज्ञान है। आंसर डिसिबली, निर्णायक उत्तर दो। डिसिबली मतलब होता है निर्णायक रूप से, निश्चय रूप से, यानी निर्णयात्मक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को जन्म या ज्ञान वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही उसे एक सच्चा ब्राह्मण बना सकता है। हाउ एवर लर्नेड ए पर्सन मे बी, लर्नेड का मतलब होता है विद्वान, व्यक्ति चाहे जितना क्यों ना विद्वान हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को छोड़े बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द फोर वेदास, चाहे वह चारों वेद का ज्ञाता क्यों ना हो। ये मैन अ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, क्लास मतलब होता है वर्ग या श्रेणी। बुरी आदतों वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में माना जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है। एवरी डे मैन सी क्रेचर मतलब होता है प्राणी। डिपार्ट मतलब होता है विदा होना। टू यम्स किंगडम मतलब होता है राज। प्रत्येक दिन व्यक्ति प्राणियों को यम लोग जाते हुए देखते हैं। एंड और येट और फिर भी, दोज जो लोग, हु रिमेन जो रह जाते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर हमेशा के रहने के लिए सोचते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में यही सबसे बड़ी आश्चर्य है। दस इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने अनेकों प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर एंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का जवाब दिया। इन द एंड अंत में द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड मतलब होता है पुनः जीवित करना। हे राजन, अब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित किया जा सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किस भाई को जीवित कराना चाहते हो, तुम किस भाई को जीवित कराना चाहते हो। इट टू युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक,
या सोचने में युधिष्ठिर को एक पल भी नहीं लगा। एंड देन ही बीस्ट, तब उन्होंने इच्छा व्यक्त की डेट द क्लाउड कम प्लेक्सेंड लोटस आइज ब्राड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल। क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड मतलब होता है मेघ बड़ वाला, लोटस आइज मतलब कमल नैन वाला, ब्राड चेस्टेड का मतलब होता है चौड़ा सीना वाला, एंड लॉन्ग आर्म मतलब होता है लंबी भुजाओं वाला। लिंग लाई ये फॉलन इबोनी ट्री माइट एराइज। क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंड मतलब होता है मेघ बड़, लोटस आइज मतलब कमल नयन वाला, ब्राड चेस्टेड सीना चौड़ा वाला, लॉन्ग आर्म मतलब लंबी भुजा वाला। इबोनी का मतलब होता है अबनूस का पेड़। कि मेघ बड़ कमल नयन युक्त चौड़ा सीना और लंबी भुजाओं वाले नकुल जो अबनूस वृक्ष की तरह गिरा पड़ा हुआ है को पुनः जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड एट दिस, इस पर यक्ष प्रसन्न हो गए एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रिफरेंस टू भीम, तुम भीम के स्थान पर नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हर्ड, मैंने ऐसा सुना है डैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुम्हारा सबसे प्रिय है, एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का मतलब होता है रक्षा या सुरक्षा। जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा करती है, जिसकी भुजाएं तुम्हारी रक्षा करती हैं, या जिसकी भुजाओं की शक्तियां तुम्हारी रक्षा करती हैं। टेल मी व्हाई यू चूज, चूज का मतलब होता है सेलेक्ट करना यानी चुनना, नकुल रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों इन दोनों भाइयों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। मुझे बताओ कि तुमने इन दोनों की अपेक्षा नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया हो यच, हे यच, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मानो धर्म ही मानव का केवल ढाल होता है, एंड नॉट भीम आर नॉट अर्जुन, एंड नॉट भीम आर अर्जुन, ना भीम और ना अर्जुन, धर्म ही मानव की ढाल है, ना भीम, ना कि भीम और ना अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यह धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन बी रुइंड, तो मानव बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री बेयर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की जो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव ये सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली बी रीव्ड, इसलिए वह पूरी तरीके से वंचित नहीं रह जाएगी, यानी इसलिए वह पूरी तरीके से दुखी नहीं रहेगी। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए मे बी इवन आई आस्क दैट माद्री सन नकुल में रिवाइव, न्याय के लिए यही हो सकता है कि माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर इम
पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, यक्ष युधिष्ठिर के निष्पक्षता से बहुत ज़्यादा खुश हो गए एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और सभी भाइयों को जीवन और सभी भाइयों के जीवन को वापस करने की स्वीकृति दे दी, और सभी भाइयों के जीवन को वापस देने की स्वीकृति प्रदान कर दी। इट वाज यक्ष द लॉर्ड ऑफ डेथ, ये यक्ष थे मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है रूप, ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वे युधिष्ठिर से मिल सकें एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड, युधिष्ठिर इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या आलिंगन करना, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन फिर द डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड का मतलब होता है गायब होना, फिर वे अदृश्य हो गए यानी गायब हो गए।